पंजाब वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है। आपको बता दें, पंजाब में बिजली की लंबी कट लग सकते हैं। जी हाँ, एक बड़ा संकट छा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें किसानों के आंदोलन का असर पंजाब की बिजली पर पड़ सकता है। दरअसल पंजाब में जल्द ही जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बिजली का ये बड़ा संकट छा सकता है, जिसके चलते लंबी बिजली के कट लग सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि थर्मल प्लांट्स को कोयले की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आई है कि गोविंदगढ़ थर्मल प्लांट जाने वाली कोयले से लदी हुई जो मालगाड़ी है, बताया जा रहा है कि वह पिछले 3 दिनों से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हुई है। तो जो इन्फॉर्मेशन और सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक ये सब कार्रवाई जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस सहित जो बाकी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उनको समय पर चलाने के लिए की गई है। रविवार को बताया जा रहा है कि कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेन्स शाम को पहुंची और शाम को आने वाली जो ट्रेनें थी वो अगले दिन सुबह स्टेशन पर पहुंची। नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली 2-2-4-7-7 वंदे भारत एक्सप्रेस 17 घंटे लेट, तो वहीं अमरनाथ एक्सप्रेस 25 घंटे लेट रही। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के सही समय की जानकारी नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन उस वक्त की बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि थर्मल प्लांट्स को कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आने वाले समय में पंजाब में बिजली प्रभावित हो सकती है, बिजली के कट जो है वो लग सकते हैं। आपको बता दें पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वो अपनी मांगों को लेकर शंभू स्टेशन पर डटे हुए हैं, अंबाला लुधियाना रेल सेक्शन पर किसानों जो है वो बैठे हैं और बैठे हुए उनको 19वां दिन है, जिसकी वजह से 145 ट्रेनें प्रभावित रहीं। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं पटरी पर बैठे हुए किसान जो है वो जिस कारण कई ट्रेनें रद्द, तो कईयों के रूट भी बताया जा रहा है बदले हुए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, आप भी डालिए इस पूरे लाइव अपडेट पर एक नज़र।